हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब मज़े में होंगे। तो आज हम श्री जगन्नाथ मंदिर बोधगया में हैं, तो आप लोग सामने में जगन्नाथ मंदिर का बोर्ड भी देख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर महाबोधि मंदिर से मात्र 25 फीट की दूरी पर स्थित है और यह मंदिर बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर जो है वो दो मंजिला मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ था और 2012-13 में यह मंदिर जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य मंदिर है उसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आप लोग भगवान श्री कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा का दर्शन कर पा रहे होंगे, तो चलिए इनका दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि हमारा जीवन जो है इसी तरह से हंसते खेलते आगे की ओर बढ़ते रहे। दोस्तों, आप सबों को बता दें कि मुख्य मंदिर के भवन का विस्तार कर राम जानकी मंदिर की भी स्थापना की गई है। तो चलिए हम लोग आगे भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण और माता सीता का दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और बगल में हनुमान जी हैं। दोस्तों, वर्तमान में मुख्य मंदिर में एक और जगन्नाथ मंदिर और बगल में राम जानकी मंदिर स्थापित है और मंदिर परिसर में तीन प्राचीन शिवलिंग अलग अलग मंदिरों में स्थापित हैं तथा यहाँ पे एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष भी है। तो चलिए हम लोग आगे इन सारे चीज़ों को देखते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप सबों का प्यार ही है जिसके वजह से हम नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।